दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बीटा एप्लीकेशन का यूज करके आलू टमाटर वाली फनी वीडियो बना सकते हो, जिसमें आपका सिर्फ इतने से मुंह होता है और इतने से सिर्फ आंखें होती है। कुछ इस प्रकार से आप इजीली वीडियो बना सकते हो। लेकिन देखो, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें भी मैंने आपको बताया था और उसको भी बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन वो था सिर्फ काइन मास्टर पर। ठीक है, काइन मास्टर से मैंने उसमें बनाना सिखाया था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे काइन मास्टर में वाटर मार्क आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि काइन मास्टर हमारा वर्क ही नहीं कर रहा। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा बीटा एप्लीकेशन में। और बीटा एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप फ्री में वाटरमार्क भी आपका हट जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहां पर अगर क्वालिटी की बात करें तो चाहे आप 1080 में कर लो, चाहे 2K में कर लो, चाहे 4K में कर लो, फुल HD क्वालिटी भी आपको मिलने वाली है। तो आज मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि किस तरीके से आलू प्याज वाले जो फनी वीडियोज होते हैं वो किस तरीके से आप बीटा एप्लीकेशन से बना सकते हो। और एक चीज फिर से आपको बता दूं कि काइन मास्टर से भी मैंने बनाना सिखाया है। कुछ दिन मैं काइन मास्टर से बनाता था, लेकिन अभी मैं बीटा से बना रहा हूं क्योंकि काइन मास्टर में मुझे ज्यादा टाइम लग जाता था, बीटा में मुझे बहुत कम टाइम लगता है। और काइन मास्टर में जब मैं क्रॉप करके इतने से मुंह और इतने से आंख लगाता था ना, तो वो उतना परफेक्ट नहीं लगता था। लेकिन बीटा से जब मैं लगा के देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चलेगा कि किसने आंखें खुद की लगाई है। ठीक है, लगेगा एकदम रियल है। तो आज मैं आपको बताता हूँ बीटा एप्लीकेशन से कम समय में किस तरीके से आप एक अच्छा फनी वीडियो बना सकते हो, आलू प्याज टमाटर वगैरह वगैरह वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। तो एक बार फिर से मैं आपको कहता हूं कि बस ध्यान से आप इस वीडियो को देखना, उसके बाद आप यही कहोगे कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा आसान है इस तरीके की वीडियोज बनाना। तो चलता हूँ फोन की स्क्रीन पर एंड सारा कुछ आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आप चाहे पिक्सल ऐप से कर लेना या फिर पिक्सआर्ट वगैरह, जहाँ से भी आपको करना हो, यहाँ पर एक सिंपल सा आपको पीछे बैकग्राउंड लेना है। उसके बाद जो भी आपको यूज करना है, टमाटर प्याज आलू वगैरह जो भी यूज करना, उसका सिंपल सा PNG आपको रख लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चाहो तो आप रियल में भी खींच सकते हो, ये देखो जैसे आम की रियल फोटो है। तो इस तरीके से सबसे पहले बैकग्राउंड में आपको ये चीज़ ले लेना है जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर आना है आपको बीटा एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम एंटर कर चुके हो, ठीक है, मैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर आपको सेटिंग वाले आइकन पर जाना एंड फर्स्ट में आप देखोगे बीटा वाटरमार्क का एक ऑप्शन मिलता है, तो ये आपके उसमें इनेबल होगा, तो इसको आपको डिसेबल कर देना है यहाँ से, ताकि ये आपका बिल्कुल भी वाटरमार्क देखने को ना मिले। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल से इसमें न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका वो जो आपने बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, जो आपको बना लेना पहले से, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो, जैसे कि मुझे पहले इसको लेना है, तो ये वाला मैंने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा खींच के मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है PIP का, ठीक है, पिप का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपके वीडियोज होते हैं, यहाँ पर आपकी इमेज होती है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वीडियो वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना। ये देखो, ये वाला वीडियो मैंने सिलेक्ट कर दिया, मतलब आपने दो वीडियो पहले से आपको शूट कर ही लेना है। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि दो करेक्टर है, तीन करेक्टर जितने भी है, तो पहले उसका आपको वीडियो क्लिप बना लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको वीडियो को बना लिया था। आप देखो यहाँ पर इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तुम इसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर देता हूँ, जूम करना बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो एक आपको ऑप्शन मिलता है मार्क्स करके, ठीक है, इस मार्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर में एक ऑप्शन मिलता है रेडियल करके, ठीक है, इस रेडियल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से राउंड सर्कल आपके पास आ जाएगा क्रॉप करने के लिए, तो इसको आपको बस थोड़ा सा जूम आउट कर देना है। और इसको देखो, आप चाहो तो इसका लंबाई चौड़ाई की तरफ खींच सकते हो, या फिर आप इधर को भी बढ़ा सकते हो, तो जिधर भी आपको करना हो, जिस तरीके से करना हो, उस तरीके से एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सिंपल सा लगा लेता हूँ अपने मुंह के पास में, इस तरीके से क्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो पूरा लग रहा है ना कि हमारा क्रॉप किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक नीचे आप देखो ओपेसिटी का एक आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसको खींच करके आपको फुल 100% जहाँ तक जाए वहाँ तक आपको कर देना। ये देखो 100% आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपको सही वाला टिक पर क्लिक कर देना है। अब इसको जहाँ थोड़ा, अगर आप चाहो तो इसको आप जूम कर लो, जूम आउट कर लो, जैसे भी आपको एडजस्ट करना हो उस तरीके से यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना। देख सकते हो यहाँ पर मैंने आलू पर प्रॉपर तरीके से लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप आगे आते हो ना, तो यहाँ पर आपको देखो
एडजस्ट का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आप देख लेना कि आपका जो पीछे आलू टमाटर प्याज जो भी है उसके हिसाब से इसको आप सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आप अपना जो कलर वगैरह है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ताकि यहाँ उसके आलू से मैच कर जाए। बिल्कुल सेम करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है। देखो फिल्टर में आप यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको एक कलर का ऑप्शन मिलेगा और कलर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको ढेर सारे कलर्स मिलते हैं, तो आप इनको डाउनलोड करके ईजिली यूज कर सकते हो। अभी मैंने डाटा ऑफ कर रखा है तो ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बारी है यहाँ पर आंखें लगाने के लिए। आंखें लगाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर एक सिर्फ अपना एक फोटो खींच लेना, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इमेज वाले ऑप्शन पर चलता हूँ और यहाँ पर मैंने सिर्फ अपनी आंखें के लिए एक फोटो सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, एक फोटो क्लिक कर रखा है ताकि मुझे मोशन वाली आंखें नहीं लेना पड़ता। ये देखो मैंने आंखें के लिए सिर्फ एक फोटो क्लिक कर रखा है। अब मैं इसका सिंपल सा इसमें भी आपका थोड़ा सा इसका पहले तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ लास्ट तक, और यहाँ पर मैं फिर से मार्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, रेडियल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ एक आंख को पहले क्रॉप कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं एक आंख को पहले क्रॉप कर लेता हूँ। ये देखो मैंने एक आंख को क्रॉप करा और ओपेसिटी आपको फिर से 100% कर देना है। अब इसको आप जिधर चाहो उधर एडजस्ट कर सकते हो। तो इधर आप एक एक आंख तो आप इस तरीके से लगा लेना। कुछ लोग कह रहे थे ना मुझे काइन मास्टर में दूसरी आंख नहीं लगती, तो यहाँ से ईजिली लग जाती है। ये देखो मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी वाला, कॉपी पर आप क्लिक कर देना, पीछे आ जाएगा। इसको स्क्रॉल करके बिल्कुल आपको आगे ले जाना है, कुछ इस तरीके से। देखो मैंने इसको आगे ले लिया एंड इसमें फिर से मैं मार्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड इसको खिसका करके मैं ये वाली आँख भी इस तरीके से क्रॉप कर लूँगा और इसमें क्लिक करके और यहाँ पर मैं इसको भी खिसका दूंगा। लेकिन अभी आप देख सकते हो मैं खिसका रहा हूँ आँख को, लेकिन ये बैकग्राउंड खिसक रहा है। तो इसका भी देखो सिंपल सा सॉल्यूशन है, जिसको भी आपको खिसकाना है उसको पहले सेलेक्ट कर लें। देखो मैंने लास्ट वाला नीचे सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा अरेंज का, इस अरेंज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे तो अब आपका यही वाला आँख सेलेक्ट होगा। देखो दाहिने वाला आंख जो मैंने नीचे सेलेक्ट करा था वही वाली आंख मेरी आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से मैं ये वाली आंख भी यहां पर एडजस्ट कर देता हूं। ये देखो मैंने ये वाली आंख भी लगा दी। अब जैसे कि मुझे लगता है कि मुंह मुझे और छोटा करना है तो यहां से मैंने मुंह वाले को सिलेक्ट कर लिया, पहले लेयर को अरेंज पर क्लिक करा। अब मुंह को आप जितना छोटा बड़ा जैसे भी चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो ये देखो लगभग लगभग प्रॉपर मेरा यहाँ पर लग चुका है। मैं प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ, आंखों में तो कोई दिक्कत नहीं, मोशन कर ही नहीं रही। दूसरी वाली आंख मुझे लग रही है कि थोड़ा सा बड़ी है, तो मैं इसको फिर से एडजस्ट पर क्लिक करके हल्का सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये देखो इसके बराबर कर लेता हूँ और ये देखो बराबर हो गई, ठीक है। अब मैं देखो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो प्रॉपर तरीके से आपका चल रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है ना। आंखें हिल रही हैं और जो मुझे बोल रहा हूँ तो आसानी से हो रहा है। तो एक क्लिप तो हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। नीचे आप कॉर्नर पर ऊपर आप देखोगे सबसे, तो यहाँ पर आपको क्वालिटी भी पहले मिल जाती है, 1080 करना, 2K करना, 4K करना, तो 1080 एक बेस्ट होती है। तो इस 1080 मैंने सेलेक्ट करा एंड यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो बिल्कुल भी आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सेटिंग से जा करके रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। तो ये देखो ये वाला एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये देखो आ भी चुका है। अब चाहो तो आप सेकंड क्लिप के लिए, ठीक है, सेकंड कैरेक्टर के लिए फिर से आप न्यू प्रोजेक्टर पर उसी तरीके से काम कर सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना तो उसी प्रोजेक्टर पर आपको आना जिस पर अभी आप काम कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो आपने वीडियो सेलेक्ट कर रखा था ये, ठीक है, मुँह वाला जो आप बोल रहे थे इसको पहले आपको डिलीट कर देना है। आँखें तो आपका देखो उसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हाँ लेडीज वाली आपको आँखें चाहिए तो फिर आपको चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर मेरे दोनों मेल कैरेक्टर हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये बैकग्राउंड की बात आती है तो इसको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड लास्ट पर आपको आना है। तो यहाँ पर आपको एक रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको इमेज वाले ऑप्शन पर आना है एंड आपको यहाँ पर दूसरा वाला इस बार सिलेक्ट कर लेना है। ये देखो मैंने दूसरा वाला सिलेक्ट कर दिया, आँखें देखो मेरी ऑलरेडी लगी है, हालांकि मुझे थोड़ा सा आँखें इसमें बड़ी करनी पड़ेंगी क्योंकि उसका करेक्टर थोड़ा सा जूम आउट था, इसका थोड़ा सा जूम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं फिर से नीचे वाले को सिलेक्ट करके ऑरेंज को सिलेक्ट करके इसकी आंखें पहले बड़ी कर लेता हूं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी आंखें कर ली, आंखें मैंने सेट कर दी। अब बारी है मुंह लगाने के लिए, ठीक है। तो मुंह लगाने के लिए आपने जो दूसरी वीडियो क्लिप ली है तो यहाँ पर आपको पिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पीआईपी और वाले ऑप्शन पर, एंड यहाँ पर आपको दूसरी वाली रिकॉर्डिंग ले लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा दूसरी वाली भी अपना वीडियो क्लिप ले लेता हूँ। अब यहाँ पर इसमें भी मुझे वही चीज़ करना है, यहाँ पर नीचे मैंने सेलेक्ट कर ही रखा है, मार्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रेडियल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर फोटो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि क्रॉप करने में आसानी हो जाए। देखो मैंने जूम करा, मार्क्स पर क्लिक करा, रेडियल पर क्लिक करा एंड इसको सिंपल से मैं इस तरीके से जूम आउट कर लेता हूँ और सिर्फ मुंह के पास ले लेता हूँ ताकि अगल बगल का सारा कुछ क्रॉप हो जाए। और ये जो ओपेसिटी है इसको यहाँ पर मैं फुल 100% करके
और बस इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे लगा देता हूँ। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर लग गया। अब मैं इसको प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा आपका मुँह इधर उधर है तो यहाँ पर आप नीचे वाले को सिलेक्ट करके अरेंज पर क्लिक करके इधर उधर आप खिसका भी सकते हो। तो ये देखो मैंने कुछ इस तरीके से खिसका दिया। अब ये प्रॉपर तरीके से मेरा बन गया। तो अब आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, इसको भी सिंपल सा आपको यहाँ से आ करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये भी हमारा सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि दोनों क्लिप आपकी रेडी हो गई, फिर से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर आना है एंड आपको यहाँ पर दोनों क्लिप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, पहले मैं ये वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं ये वाली को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों के, एंड यहाँ पर एयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोनों क्लिप मेरी आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पर आपको सिंपल सा पता है करना क्या है कि जहाँ जहाँ आपने बोला है तो वो पार्ट आपको कट कर लेना है, बाकी का पार्ट आपको कट करके निकाल देना है। बीच बीच में आपको जो जूम वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलो मैं सारा कुछ करके आपको लास्ट में दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने जो मुझे बीच बीच के टुकड़े चाहिए थे दोनों में से निकाल लिया है, बीच बीच में खिसका के कर लिया है। अब जैसे यहाँ पर कुछ लोग को ये नहीं पता होगा कि आगे पीछे कटना कैसे होता है, तो जैसे यहाँ से ये इसके पीछे वाला पूरा ये बेकार पार्ट है, इसको मुझे कट करना है। तो ये जो आपको अनटिल नाउ करके ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो पीछे वाला कट जाएगा। फ्रॉम नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दोगे तो आगे साइड का कट जाता है। बीच से कट करना है तो ये आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, तो मुझे पीछे वाला कार्ट कट करके निकाल देना है। तो अनटिल नाउ पर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखो पीछे का पूरा पार्ट कट गया है। और यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट है इसको खिसका करके मुझे सबसे पीछे करना है, तो जस्ट इस पर क्लिक करके और पीछे कर दूंगा। तो ये देखो पीछे आ गया। तो इस तरीके से मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है। अब जैसे मान लो कि हमको कहीं जूम करना, जैसे ये वाले को थोड़ा सा मुझे जूम करना है। जूम करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ पर देखो एक स्केल वाला ऑप्शन मिलता है, स्केल वाले पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो जैसे आप चाहो जितना जूम आउट चाहो जितना जूम इन करना चाहो वो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको जूम कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ परफेक्ट कर लेना है। तो इतना तो देखो हमारा बन करके रेडी हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको वो साउंड इफेक्ट भी लगाना पड़ेगा, फनी फनी साउंड भी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर आपको ये एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक साउंड वाला ऑप्शन मिलता है, साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको एक म्यूजिक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो भी आपके फ़ोन पर साउंड इफेक्ट होंगे वो सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं और रिएक्शन वॉइस, ये मैं सबसे लास्ट में इसको यूज करता हूँ। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको ये साउंड इफेक्ट चाहिए या जो आपको जो जो चीज़ें मैं यूज करता हूँ ये सारा कुछ मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे रखा है, तो जा करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वॉइस है ये मैं सबसे पीछे यूज करता हूँ, तो मैं इसको स्क्रॉल करके एकदम सबसे लास्ट में कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आपका लास्ट में आप मेरे इस वीडियो पर लास्ट में आपने देखा वही मेरा जो न्यू चैनल है उस पर आप देखना, नोटिस करना, ये गजब की मतलब आपका साउंड इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से यूज करता हूँ, बाकी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बीच बीच में भी लगा देता हूँ। तो फिर से मैं डिवाइस वाले ऑप्शन पर आता हूँ और बीच बीच में लगाने के लिए मेरे पास एक और साउंड इफेक्ट है जिसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट है और उसका नाम है देखो फनी साउंड इफेक्ट करके। ठीक है, ये वाला भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, काफ़ी सारी PNG भी अपलोड कर रखी है, काफ़ी सारी शैडो वगैरह भी कर रखे हैं, जो जो मतलब मैं यूज करता हूँ वो सब कुछ मैंने अपलोड कर रखा है। जो नई चीज़ें होंगी वो भी पोस्ट कर दूंगा, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, सारा कुछ वहां से आप उठा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने बीच बीच में भी साउंड इफेक्ट यूज कर लिया। अब सिंपल से यहां पर पूरी तरीके से मेरा वीडियो रेडी हो गया है। फिर से आप यहां से क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हो, 1080 4K जितना भी आपको करना है। एंड यहां पर लास्ट में आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये पूरी तरीके से आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, अब मैं चलो आपको एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। चाचा एक बात बताओ, ये कैसे पता चलता है कोई अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है? बबुआ इसका पता तो सर्दियों में अच्छे से चल पाता है। सर्दियों में? हाँ। वो कैसे? देखो जो अनपढ़ लोग होते हैं ना वो अपनी नाक पोंछ के जमीन में फेंक देते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी नाक पोंछ के रुमाल में अपने जेब में डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कितना सिंपल तरीके से आप बीटा एप्लीकेशन का यूज करके इस तरीके की फनी वीडियोस बना सकते हो। काइन मास्टर का अब आपको बवाल ही खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वाटर मार्क आ रहा है, किसी किसी का वर्क ही नहीं करा, तो उसका सिस्टम ही मतलब खत्म। अब यहाँ पर आप बीटा एप्लीकेशन से भी एक बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा वीडियो बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर आपका डाउट है इससे रिलेटेड, कुछ भी आपका क्वेश्चन मन में आ रहा है नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछिए, उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। या फिर ज्यादा कुछ आप मुझसे बात
करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, फॉलो जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।